दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ और ये भारत के वैज्ञानिक तथ्य को उजागर करती है कि भारत जो है का विज्ञान कितना उन्नत था। चलिए शुरू करते हैं, ऐसे सेव कर सुरक्षित कर लें, ऐसी पोस्ट कम ही आती है। विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना तंत्र ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया अनुसंधान काष्ठा सेकंड का 34,000वां भाग, एक त्रुटि सेकंड का 300वां भाग, दो त्रुटि एक लव, एक क्षण 30 क्षण बराबर एक विफल, 60 विफल बराबर एक पल, 60 पल बराबर एक घड़ी, 24 मिनट, 2.5 घड़ी बराबर एक होरा, होरा बोलते हैं घंटे को, और 3 होरा बराबर एक प्रहर व 8 प्रहर बराबर एक दिवस, बार सोमवार मंगलवार पूरा एक दिन, 24 होरा एक दिवस दिन या वार मतलब 24 घंटे, 7 दिवस एक सप्ताह, 4 सप्ताह बराबर एक माह, 2 माह बराबर एक ऋतु, 6 ऋतु बराबर एक वर्ष, 100 वर्ष बराबर एक शताब्दी, 10 शताब्दी बराबर एक सहस्राब्दी, 432 सहस्राब्दी बराबर एक युग, 2 युग बराबर एक द्वापर युग, 3 युग बराबर एक त्रेता युग, 4 युग बराबर सतयुग, सतयुग प्लस त्रेता युग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग बराबर एक महायुग, 72 महायुग बराबर 72 महायुग बराबर मन्वंतर, और 1,000 महायुग बराबर एक कल्प, एक नित्य प्रलय बराबर एक महायुग। और प्रलय का मतलब ये होता है धरती पर जीवन अंत और फिर से आरंभ। एक नैमित्तिका प्रलय बराबर एक कल्प, देवों का अंत और जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। महालय बराबर 730 कल्प, ब्रह्मा का अंत और जन्म। देखिए फिर आ जाता है संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणतंत्र यही है जो हमारे देश भारत में बना हुआ है। ये हमारा भारत जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या जानकारी आती है। दो लिंग, नर और नारी, दो पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पूजा वैदिकी और तांत्रिकी पुराणोक्त, दो अयन उत्तरायण और दक्षिणायन, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवियाँ महासरस्वती महालक्ष्मी महागौरी, 3 लोक पृथ्वी आकाश पाताल, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 3 स्थिति ठोस द्रव वायु गैस, 3 स्तर प्रारंभ मध्य और अंत, 3 पड़ाव बचपन जवानी और बुढ़ापा, 3 रचनाएं देव दानव और मानव, 3 अवस्था जागृत मृत बेहोशी, 3 काल भूत भविष्य वर्तमान, 3 नाड़ी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। पूरा खेल इन तीनों नाड़ियों का है, ठीक है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का। सुषुम्ना मध्य है जो संतुलन करती है व्यक्तित्व का। 3 संध्या प्रातः मध्यान्ह सायं, 3 शक्ति इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, 4 धाम बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी रामेश्वरम द्वारका, 4 मुनि सनत सनातन सनंद सनत कुमार, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 नीति साम दाम दंड और भेद, 4 वेद सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद, 4 स्त्री माता पत्नी बहन पुत्री। चलते हैं आगे, 4 युग। अब आ जाते हैं युगों पे। 4 युग सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, 4 समय सुबह शाम दिन और रात, 4 अप्सरा उर्वशी रंभा मेनका तिलोत्तमा, 4 गुरु माता पिता शिक्षक आध्यात्मिक गुरु, 4 प्राणी जलचर थलचर नपचर उभयचर। जलचर मीन्स एक्वेटिक, थलचर मीन्स टेरेस्ट्रियल, नपचर मीन्स एरियल एंड उभयचर मीन्स एम्फीबियम। 4 जीव अंडज पिंडज स्वदेज उद्भिज उद्भिज, 4 वाणी
ओमकार अकार उकार मकार, चार आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम, चार भोज्य खाद्य पेय लेह चौस्य। खाद्य मीन्स खाने वाला, पेय मीन्स पीने वाला, लेह मीन्स मतलब पेय लेह मीन्स इनहेल करने वाला, चौस्य मीन्स चूसने वाला। चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार वाद्य तत् शुशिर अवनद्व घन, चार तत्व पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु महाभूते पंच तत्व, पांच देवता गणेश दुर्गा विष्णु शंकर सूर्य, पांच ज्ञानेन्द्रिया आँख कान नाक जीभ और त्वचा, पांच कर्म रस रूप गंध स्पर्श और ध्वनि, पांच उंगलियां अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा, पांच पूजा उपचार गंध पुष्प धूप धूप दीप नैवेद्य, पांच अमृत दूध दही घी शहद और शक्कर, पांच प्रेत भूत पिशाच वेताल कुष्मांड ब्रह्मराक्षस, पांच स्वाद मीठा चरका खट्टा खारा कड़वा, पांच वायु प्राण अपान व्यान उदान समान, पांच इंद्रियां आँख नाक कान जीभ त्वचा मन, पांच वट वृक्ष सिद्धवट उज्जैन अक्षयवट प्रयागराज बोधिवट बोधगया वंशीवट वृंदावन और साक्षीवट गया, पांच पत्ते आम पीपल बरगद गुलर और अशोक, पांच कन्या अहिल्या तारा मंदोदरी कुंती और द्रौपदी, छह ऋतु शीत ग्रीष्म वर्षा शरद बसंत और शिशिर, छह ज्ञान अंग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, छह कर्म देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान, छह दोष काम क्रोध मद लोभ मोह आलस्य, सात छंद गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, सात स्वर सारे ग म प ध नी, सात सुर षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, सात चक्र सहस्त्रार आज्ञा विशुद्ध अनाहत मणिपुर स्वादिष्टान मूलाधार। देखिए जो सहस्त्रार चक्र है वो सीधे हमारे तालुब के ऊपर से है, ये है सहस्त्रार आज्ञा चक्र गेरा, विशुद्धि चक्र यहाँ है, अनाहत चक्र यहाँ है, मणिपुर चक्र ये आपकी नाभि पे है, स्वादिष्टान इसके नीचे है और मूलाधार आपके उससे भी नीचे है। सात बार रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, सात मिट्टी गौशाला घुड़साल हाथीसाल द्वाद्वार बांबी की मिट्टी नदी संगम तालाब, सात महाद्वीप जम्बूद्वीप एशिया प्लक्षद्वीप शालमलिप द्वीप कुशद्वीप क्रौंचद्वीप शौकद्वीप पुष्करद्वीप, सात ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र कण्व भारद्वाज अत्रि वामदेव शौनक, सात ऋषि वशिष्ठ कश्यपत्रि जमदग्नि गौतम विश्वामित्र भारद्वाज, सात धातु शारीरिक रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य, सात रंग बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, सात पाताल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, सात पुरी मथुरा हरिद्वार काशी अयोध्या उज्जैन द्वारका कांची, सात धान्य उड़द गेहूँ चना चावल जो मूंग बाजरा, आठ मातृका ब्राह्मी वैष्णवी माहेश्वरी कुमारी ऐन्द्री वाराही नारसिंही चामुंडा, आठ लक्ष्मी आदिलक्ष्मी धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी गजलक्ष्मी संतानलक्ष्मी वीरलक्ष्मी विजयलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी, आठ वसु अप अह अजय ध्रुव सोम धर अनिल अनल, प्रत्युष प्रभास आठ सिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वित्व वशित्व, आठ धातु सोना चांदी तांबा सीसा जस्ता टीन लोहा पारा, नवदुर्गा शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री, नवग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, नवरत्न हीरा पन्ना मोती माणक मूंगा पुखराज नीलम गोमेद लहसुनिया, नवनिधि पद्मनिधि महापद्मनिधि नीलनिधि मुकुंदनिधि नंदनिधि मकरनिधि कच्छपनिधि शंखनिधि खरवन मिश्र निधि, दस महाविद्या
काली, तारा, षोड़शी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धुआवती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, 10 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊपर, नीचे, 10 दिक्पाल, इंद्र, अग्नि, यमराज, नैऋत्य, वरुण, वायुदेव, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनंत, 10 अवतार, विष्णु जी, मत्स्य, कच्छप, वारहा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, 10 सती, सावित्री, अनसुया, मंदोदरी, तुलसी, द्रौपदी, गांधारी, सीता, दमयंती, सुलक्षणा, अरुंधति। उक्त जानकारी शास्त्रोक्त आधार पर है। जय श्री राम, राधे कृष्ण, राधे राम। ऐसी जानकारी बार बार नहीं आती और आगे भेजे ताकि लोगों को सनातन धर्म की जानकारी हो सके। आपका आभार, धन्यवाद होगा। अष्टाध्यायी पाणिनि रामायण वाल्मीकि। अष्टाध्यायी पाणिनि रामायण वाल्मीकि, महाभारत, वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, सहस्रसारिका सूत्र नागार्जुन ने, बुद्ध चरित अश्वघोष ने, सोदरानंद ने, अश्वघोष, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र, स्वप्न वासवदत्ता, भास कामसूत्र वात्स्यायन, कुमार संभवम कालिदास, अभिधान शाकुंतलम कालिदास, विक्रमो उर्वश्याम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त, मृच्छ कट्टिकम शूद्रक, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, व्रत संहिता वारावीर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कथा सरित सागर सोमदेव, अभिधम्म कोश वसुबंधु, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, रावणवध भट्टी, किराता अर्जुनियम भारवी, दश कुमार चरितम डंडी, हर्षचरित वाण भट्ट ने लिखा, कादंबरी वाण भट्ट ने लिखी, वासवदत्ता सुबंधु ने, नागानंद ने, हर्षवर्धन ने, रत्नावली हर्षवर्धन ने, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने, मालती माधव बहुभूति ने लिखा, पृथ्वीराज विजय जयानक ने, कर्पूर मंजरी राजशेखर ने, काव्य मीमांसा राजशेखर ने, नवसहसांक चरित्र पद्मगुप्त, शब्दानुशासन राजभोज राजा भोज ने, व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने, नैषध चरित्रम श्रीहर्ष ने, विक्रमाकदेव चरितम विल्हण ने लिखा, कुमारपाल चरित्रम हेमचंद्र सुरेश्वर जी ने, गीत गोविंदम जयदेव ने लिखा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा, रासमाला सोमेश्वर ने लिखा, शिशुपालवध माघ ने लिखा, गोडबाहो वाकपति ने लिखा, रामचरित संध्या करनंदी द्व्याश्रय काव्य हेमचंद्र सिंह ने लिखा। वेद ज्ञान, वेद किसे कहते हैं? उत्तर, ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्वेद, अथर्वेद वेदों के अंग है, 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया? उत्तर, 4 ऋषियों को, ऋग्वेद अग्नि को, यजुर्वेद वायु को, सामवेद आदित्य को, और अथर्वेद का ज्ञान अंगिरा को। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को कैसे दिया? समाधि की अवस्था में। वेदों में कैसा ज्ञान है? सब सत्य विद्याओं का ज्ञान विज्ञान है। वेदों के विषय कौन कौन से हैं? 4 विषय हैं। ऋषि और उनके विषय क्या है देख लेते हैं। ऋग्वेद ज्ञान का है, यजुर्वेद कर्म का है, सामवेद उपासना का है, अथर्ववेद विज्ञान का है। वेदों में ऋग्वेद में मंडल 10 है, अष्टक 8 है, सूक्त 1028 है, अनुवाक 85 और ऋचाए 10,590 हैं। यजुर्वेद में अध्याय 40 है, मंत्र 1,975 है। सामवेद में आर्चिक 6 है, अध्याय 6 है, ऋचाए 1,875 है। अथर्वेद में कांड 20 है, सूक्त 731 है, मंत्र 5,977 है। वेद पढ़ने का अधिकार किसको है? मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या वेदों में अवतारवाद का प्रमाण है? नहीं है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की उत्पत्ति कब हुई? वेदों की उत्पत्ति सृष्टि की के आदि से परमात्मा द्वारा हुई, अर्थात 1,96,83,000 वर्ष पूर्व। वेद ज्ञान के सहायक दर्शन शास्त्र उपअंग कितने हैं और उनके लेखकों का क्या नाम है? देखिए, उत्तर, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि मुनि, मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत दर्शन व्यास मुनि। शास्त्रों के विषय क्या है? शास्त्रों के विषय है आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, मुक्ति, अर्थात सब प्रकार का भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान आदि। प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं? केवल 11 है। उपनिषदों के नाम बताएं। उपनिषदों के नाम जो हैं वो ईशावास्य, केन, कट, प्रस्थ, मुंडक, मांडू, ऐत्रेय, तैत्री, छादोंग्य, छंदोंग्य, वृदारण्यक और श्वेता स्वतर। उपनिषदों के विषय कहाँ से लिए गए?
उपनिषदों के विषय वेदों से लिए गए हैं। चार वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चार युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। जो सतयुग है वो 17,28,000 वर्षों का है, और त्रेतायुग है जो 12,96,000 वर्षों का है, और द्वापरयुग 8,64,000 वर्षों का है, कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। कलयुग के 5,122 वर्षों का भोग हो चुका है अभी तक, अब 4,27,024 का वर्षों का भोग होना बाकी है। पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि, वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। स्वर्ग जहाँ सुख है, नरक जहाँ दुख है। भगवान शिव के 35 रहस्य देख लेते हैं। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ कहा जाता है, आदिनाथ शिव, सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रारंभ किया है, इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है, और आदिनाथ हमारे 24वें तीर्थंकर है जैन मत के अनुसार। शिव के अस्त्र शस्त्र, शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन है। अस्त्र पाशुपतास्त्र है, और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। भगवान शिव का नाग, शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, और उमा, उर्मी, काली कही गई है। शिव के पुत्र, शिव के प्रमुख 6 पुत्र है, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव के शिष्य, शिव के 7 शिष्य जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया, इन शिष्यों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिनके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौर शिरस मुनि भी थे। 7 शिव के गण, शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, चैत्य, दैत्य और नागनागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव पंचायत, भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल नंदी, स्कंद, रिटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल है। शिव पार्षद, जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजिदी, साबीन, सुबरी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गई है। बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तणंकर, षणंकर और मेघंकर। देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव, भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। ये रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों का को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता है। शिव चिन्ह, वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के टेढ़े ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव की गुफा, शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों के निशान, श्रीपद श्रीलंका में रत्नद्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है। ये 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानो लिपदम कहते हैं, कुछ लोग इसे आदम पिक कहते हैं। रुद्रपद, तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगडु क्षेत्र में श्री स्वेदारणेश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह है, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा
थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान शिव के पद चिन्ह है। तेजपुर, असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर के शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भी भीम के पास शिव के पद चिन्ह है। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश पर रखा था। रांची, झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल स्टेशन पर शिव जी के पैरों के निशान है। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। शिव के अवतार वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, ग्रहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुंदर नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वेश्यानाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड और भाव। शिव का विरोधाभासिक परिवार शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, और जबकि सांप मूषक भक्षी है, जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बेल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के नीचे पाताल लोक है और भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। शिव भक्त है।